Getting late? Don't worry, you just need 5 minutes. So let's start. तो सबसे पहले आपको लेना है फेवरेट मॉइस्चराइज़र और उसे जेंटली अपने फेस पे अप्लाई करना है। फिर आप लीजिए अपना फेवरेट कंसीलर, कोई भी कंसीलर ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो, और उसे अपने डार्क स्पॉट्स पे लगाना है और अपने हाई पॉइंट्स ऑफ योर फेस पे लगाना है, जस्ट लाइक मैंने लगाया है चीक बोन पे, नोज पे और फोरहेड पे और थोड़ा सा चिन पे। और अपने ब्रश के हेल्प से या आप अपना फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं, उसे आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से आप ब्लेंड कर लीजिए, उसके बाद बस एक लिपस्टिक लेनी है, उसे अपने लिप्स पे नहीं लगाना है। सबसे पहले आप उसे अपनी चीक्स पे लगाइए जैसा कि मैंने लगाया है, और अच्छे से अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर लीजिए। और ध्यान रहे जब भी आप लिपस्टिक को स्मच करें तो उसी डायरेक्शन में करें जहां आपने अप्लाई किया है। अब मैंने लिया है पाउडर और उसे मैं अपने पूरे फेस को, सबसे पहले अंडर आइज़ को सेट कर रही हूँ और अपने पूरे फेस को भी सेट करूँगी। नाउ यू जस्ट नीड वन लिपस्टिक, और मैंने वही सेम लिपस्टिक लिया है और अपने लिप्स पे अप्लाई किया है। अब आप कोई भी आई पेंसिल लीजिए, चाहे ब्लैक लीजिए या ब्राउन लीजिए, मैंने ब्राउन लिया है। अब मैं इसे लोअर लैश लाइन और अपर लैश लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। मेरे आई पेंसिल के बैक साइड में स्मजर है जिससे मैं अपने काजल को स्मज कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। स्मजर में थोड़े प्रोडक्ट रह जाते हैं, अगर आप अपने हैंड में रब करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसीलिए मैं उसी से अपने आईब्रो को थोड़ा डिफाइंड लुक दे रही हूँ ताकि कंप्लीट लुक मिले। सो आई एम रेडी इन 5 मिनट्स। सो जब भी आपके पास टाइम कम हो तो आप ये लुक ट्राई कर सकते हैं।